नमस्कार जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मथुरा से आज प्लास्टिक के खात्मे का संगनाथ करेंगे पीएम मोदी। 1050 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वेटरनरी विश्वविद्यालय से देश की जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 40 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर की संपत्ति का बंटवारा देखेगी 3 सदस्यीय कमेटी। पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा को समिति का बनाया गया अध्यक्ष। 31 अक्टूबर को वजूद में आएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र ने सरदार पटेल के जन्म दिवस पर लागू करने का लिया फैसला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों से की मुलाकात। का अनुच्छेद 370 हटने से बढ़ेगी पंचायतों की ताकत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश की अखंडता को बताया सर्वोपरि। का पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही होगी बात। उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में आया नया मोड़। पीड़िता के पिता की हत्या में महिला सिपाही सहित 6 को किया गया तलब। उन्नाव मामले में आज से दर्ज किए जाएंगे पीड़िता के बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स में बनाई गई है अस्थायी अदालत। INX मामले में CBI ने जेल में की इंद्राणी से पूछताछ। सरकारी गवाह बनने पर चिदंबरम के खिलाफ दिए थे सबूत। UNHRC में कश्मीर पर भारत ने पाकिस्तान की मांग की खारिज। का आतंकवाद का केंद्र देश ना पढ़ाए मानवाधिकार का पाठ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि विजय ठाकुर सिंह की 2 टूक। का भारत के आंतरिक मामले में कोई देश नहीं कर सकता हस्तक्षेप। UNHRC में मुंह की खाने के बाद इमरान खान का नया पैंतरा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में करेंगे रैली। सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खान की कोर्ट में पेशी आज। चुनाव प्रचार के दौरान जयापर्दा पर भी थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस नेता शिव कुमार की बेटी और सरिया की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भेजा नोटिस, करेगी पूछताछ। चर्चित भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद मामले में आया नया मोड़। SIT को सौंपी गई पेन ड्राइव में वीडियो होने का दावा। UP के जेवर हवाई अड्डे के लिए मुफ्त जमीन देगी योगी सरकार। वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। 8 रनवे वाले एयरपोर्ट पर 15,754 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर। कम होगा IGI का बोझ। TDP की रैली से पहले चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को किया गया नजरबंद। आंध्र सरकार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू। धारा 144 लागू। इस्लामी कानून के तहत वैध निकाह को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया। पति की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने युवती को वयस्क होने तक नारी निकेतन में रखने को ठहराया सही। पति की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सेना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर मिलेगा रफाल लड़ाकू विमान। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और विजयदशमी का है त्यौहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस को दी नसीहत। बोली सभी राजनीतिक दलों को कश्मीर पर एक स्वर में बोलने की जरूरत। अमरिंदर सिंह ने 6 कांग्रेस विधायकों को बनाया सलाहकार। विपक्ष ने सरकार के कदम को बताया सरकारी खजाने की दिनदाड़े लूट। जसपा में शामिल होने वाले इनेलो के 5 विधायक आयोग घोषित। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने सुनाया फैसला। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को गुजरात सरकार ने किया कम। कुछ मामलों के जुर्मानों को 10,000 रुपए से घटाकर किया 1,000 रुपए। महाराष्ट्र में 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिवसेना। भाजपा के साथ मुख्यमंत्री कार्यकाल को आधा आधा बांटने की भी रखी मांग। मुंबई में 51 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ में फिर ड्रोन किया गया जब्त। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में 6 मकान हुए क्षतिग्रस्त। LOC के पास अग्रिम चौकियों और नागरिक इलाकों में की भारी गोलाबारी। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने से मेडिकल छात्रों को आरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार। समझौता तोड़ने वाले छात्रों की रद्द होगी MBBS की डिग्री। हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। पार्टी ने किया चुनाव समिति और प्रचार समिति का गठन। हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली अहम जिम्मेदारियां। चुनाव प्रचार समिति में लगभग सभी प्रमुख नेताओं को दी गई जगह। 2050 तक दुनिया को 50% से अधिक भोजन की होगी आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा तेजी से हो रही है प्रभावित। दिसंबर तक स्पेक्ट्रम नीलामी पूरा करना चाहता है दूरसंचार विभाग। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में स्पेक्ट्रम के मूल्यों का होगा अंतिम फैसला। हरियाणा में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला विपक्ष के नेता का दर्जा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने की घोषणा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। बोले मोदी सरकार ने दिल्ली में कम किया प्रदूषण। झूठा श्रेय ले रहे हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चौहान ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। बोले आर्थिक मंदी के बाद भारत कैसे बनेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल संगमा ने NRC को लेकर किया दावा। बोले असम में ब्याही गई दूसरे राज्यों की महिलाएं सूची से की गई बाहर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह ने छोड़ी कांग्रेस। बोले अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी के रुख से हूं असहमत। भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े ने IAS अधिकारी सेंथिल पर साधा निशाना। बोले ये अहंकार में उठाया गया कदम, अब चले जाएं पाकिस्तान। प्रदूषण में कमी को लेकर मुंबई की सड़कों पर उतारी गई 10 इलेक्ट्रिक बसें। दूसरे चरण में अन्य मार्गों पर चलेंगी शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक बसें।
मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा चलाएगी घंटानाद आंदोलन, पार्टी जनता तक पहुंचाएगी कमलनाथ सरकार की विफलताएं। कांग्रेस ने भी भाजपा के आंदोलन का जवाब देने की शुरू की तैयारी, ढोल बजाओ अभियान से भाजपा के पिछले 15 सालों के शासन का पेश करेगी लेखा जोखा। आप सरकार ने दिल्ली में अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का किया ऐलान, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि CBSE बोर्ड रहेगा बरकरार। ट्रंप ने आतंकवाद से निपटने के लिए जारी किया नया शासकीय आदेश, आतंकवादी गतिविधियों को धन मुहैया कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ट्रंप ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल्टन को बर्खास्त करने की घोषणा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके रुख से असहमति बताई वजह। दुनिया भर में देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को मिलेगा पद्म सम्मान, खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से की 11 नामों की सिफारिश। बॉक्सर मैरी कॉम पद्म विभूषण और सिंधु पद्म भूषण के लिए नामांकित, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर सहित कई नाम पद्म श्री के लिए भेजे। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत ने दिखाया दम, एशियन चैंपियन कतर को ड्रा पर रोक कर रचा इतिहास। त्रिकोणीय T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का ऐलान, स्पिनर मेहंदी हसन और तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन की छुट्टी। शास्त्री ने विराट और रोहित के बीच मतभेद की खबरों को किया खारिज, कहा नजरिए में अंतर को मतभेद के रूप में ना देखा जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।